12,000 यहूदी बंदर बन गए। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह सुबहाना व ताला ने अपनी हर नेमत से नवाजा था, लेकिन जैसे ही राहत और सकून आया तो वो अल्लाह सुबहाना व ताला की याद से गाफिल हो गए और अल्लाह सुबहाना व ताला के अहकामात को भी पसे पुश्त डालने लगे। हुआ ये कि अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म ये दिया था कि हफ्ते के दिन मछली शिकार ना किया करें, इतवार से लेकर जुमा तक जितना चाहो उन्हें शिकार करो, मगर हफ्ते के दिन नहीं करना। अब अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया। होता ये है कि ये लोग एतवार से लेकर जुमे तक शिकार के लिए निकलते, लेकिन उनके हाथ शिकार मामूल से भी बहुत कम ना होने के बराबर आता, और हफ्ते के दिन जब ये समंदर के किनारे जाते तो देखते कि आज तो बड़ी बड़ी मछलियाँ समंदर के ऊपर तैर रही हैं और इन मछलियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती थी। इस तरह मामला चलता रहा कि हफ्ते के दिन मछलियाँ ज़्यादा होती और फिर ग़ुरूब आफ्ताब के बाद वक्त आइंदा हफ्ते तक के लिए गायब हो जाती, यानी कम हो जाती। इस बस्ती में एक शख्स को शैतान ने वरगलाया कि तुम क्यों परेशान होते हो, मैं तुम्हें एक हीला बता देता हूँ, तुम ऐसा कर लिया करना जिससे हफ्ते की हुरमत भी कायम रहेगी और तुम्हें मछलियाँ भी मिल जाया करेंगी। शैतान ने उसको सारी तरकीब बता दी। अब जब हफ्ते का दिन आया तो उसने शैतान की बताई हुई तरकीब पर अमल शुरू कर दिया। शिकार का सामान लेकर ये शख्स समंदर के किनारे चला गया और उसने कांटा लगाकर डोरी समंदर में डाल दी। हफ्ते के दिन मछली इस डोर में फंस गई। उस शख्स ने हफ्ते के दिन तो उन्हें नहीं निकाला, लेकिन जैसे ही अगले दिन इतवार आया तो उसने वो मछली जो उसकी डोर में फंसी हुई थी निकाल ली और घर लाकर भूनकर खाने लगा। जब आस पड़ोस के लोगों ने मछली की खुशबू सूंघी तो सब लोग उसके पास आ गए और पूछने लगे, भाई तुम्हारे पास मछली कहाँ से आई? उसने कहा, मैं ये मछली आज इतवार वाले दिन पकड़ के लाया हूँ। खैर, लोग चले गए। अगले हफ्ते को उस शख्स ने फिर वही हीला किया जो उस शैतान ने सिखाया था। जब मछली की खुशबू आसपास के पड़ोसियों के घर तक पहुँची तो वो तमाम लोग फिर आ गए और कहने लगे, हम तो पूरा समंदर इतवार को छान मारते हैं, हमारे पास तो एक भी मछली नहीं आती, तुम्हें ये कहाँ से मिल जाती है? उसने इन लोगों को भी वही हीला सिखा दिया कि इस तरह से तुम भी हफ्ते वाले दिन कांटा फंसाकर मछली का शिकार कर लिया करो। चुनाचा वो भी इसी तरह करने लगे, बल्कि बाज ने तो इसके लिए बड़ी मनसूबाबंदी कर डाली, और वो ये कि उन्होंने समंदर से नालियाँ निकाल कर खुश्की में छोटे छोटे तालाब बना दिए। अब जब हफ्ते के दिन मछलियाँ समंदर में आती तो वो नाली के ज़रिए तालाब में आ जाती। जब वो तालाब में आ जाती तो ये तालाब के मुंह बंद कर देते और इस तरह वो मछलियाँ वापस समंदर में नहीं जा पाती बल्कि तालाब में फंस जाती, और ये लोग इतवार को उन मछलियों को पकड़ लेते और ये नहीं सोचते कि ये हफ्ते के दिन ही तो शिकार हुआ जो उनके लिए हराम था। इस बस्ती में अल्लाह ताला से डरने वाले मुसलमान भी मौजूद थे। उन्होंने समझाया कि ये तुम क्या कर रहे हो और क्यों अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत दे रहे हो, लेकिन वो इस बात पर अड़े रहे कि ये मौलवियत हमको मत सिखाओ और ना ही हमें दिखाओ, हम हफ्ते के दिन कब शिकार कर रहे हैं, हम तो इतवार के दिन ही शिकार कर रहे हैं। इस बस्ती में इनके तीन गिरोह हो गए। एक गिरोह वो जो उन लोगों को हक बात की नसीहत करता, दूसरा गिरोह वो जो इनको बुरा जानता, तीसरा गिरोह वो जो अल्लाह की नाफरमानी खुलेआम करता और हीले बहाने करता। पहले गिरोह ने इन्हें बहुत समझाया कि ऐसा ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली कौमों की तरह इस नाफरमानी की वजह से तुम्हें ज़मीन में धंसा दिया जाए या फिर आसमान पर
से तुम पर पत्थरों की बारिश कर दी जाए और अल्लाह का अजाब तुम्हें आ ले। जब वो बाज नहीं आए तो उनके नेक और सवालिया लोगों ने कहा, हम नाफरमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। लिहाजा उन्होंने बस्ती को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया और दरमियान में एक दीवार बना ली और अपने आने जाने का रास्ता भी बदल लिया। दूसरे दिन इन सब लोगों ने सुबह सुबह जब अपने काम पर निकलने की तैयारी की तो देखा कि दीवार की दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो उन्होंने उनको देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए। दूसरे दिन उन्होंने अजीब मंजर देखा कि वो सब के सब बंदर बन गए हैं। अल्लाह सुबहान व तआला ने उनकी सूरतों को मसख कर दिया। अब बाकी लोग भी दीवार की उस तरफ उन मुजरिमों को देखने के लिए चले गए, तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो क़तार रोते थे, मगर लोग इन बंदरों को नहीं पहचान पा रहे थे। बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इन 3 दिनों में वो कुछ ना खा सके ना पी सके और यूं ही भूखे प्यासे हलाक हो गए। हाँ, दो गिरोह जो हक की तलकीन करते थे और जो उनको बुरा जानकर अलैदा हो गए थे, वो दोनों गिरोह बच गए। अल्लाह ताला ने इन दोनों गिरोहों को हलाकत से बचा लिया। हमें भी एक दूसरे को नेक बात की तलकीन करते रहना चाहिए और अल्लाह सुबहाना व ताला के अहकामात की पाबंदी करनी चाहिए और हर वक्त अल्लाह सुबहाना व ताला से तौबा करता रहना चाहिए।